खबर नीमच मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर नीमच सिटी में लॉकडाउन के दूसरी बार बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय, जहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा ही जहां पर पुलिस को लॉकडाउन के जहां पर दूसरी बार बहुत ही बड़ी सफलता हासिल हुई। नीमच सिटी पुलिस ने लॉकडाउन में दूसरी बार बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला के निर्देश पर नीमच सिटी थाना प्रभारी के नेतृत्व में सिटी पुलिस ने तस्करों के खिलाफ अपना शिकंजा कसा है। वहीं कल बीती रात नीमच सिटी पुलिस ने सफलता हासिल कर तस्करों के मंसूब पर पानी फेरा है। चार ट्रक क्रमांक GJ06TT9419 से आरोपी पुन्मा राम और पिता लुम्बा राम चौधरी, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम बमनोर, जिला बाजमेर के द्वारा ट्रक के कैबिन में छुपाकर 25 किलो अवैध अफीम की तस्करी की जा रही थी। प्रभावी कार्यवाही नीमच सिटी थाने पर की गई है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें वाहन चेकिंग, वारंटी पकड़ो, एडीपीसी कार्रवाई करो, इसी संबंध में कल रात्रि में एक टाटा ट्रक में अफीम जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें थाने की टीम को लगाया गया। उसमें एक ट्रक टाटा, एक आरोपी पन्मा राम बाड़मेर का निवासी और 25 किलो अफीम जब्त की गई। क्या लग रहा है सर कि इसमें कोई और आरोपी सामने आ सकते हैं? हाँ जरूर, इसमें कोई बड़े तस्कर हैं जो राजस्थान के और अपने मध्य प्रदेश के हैं, उनको ट्रेस करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है सर कि लॉकडाउन को लेकर के अब तक ये दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई नीमच सिटी थाने की है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अब कार्रवाई बड़ी है छोटी है तो आकलन करना आप लोगों का काम है। हमारा काम तो कार्रवाई करना है, तस्करों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करना हमारा काम है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन